हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेज में। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटेक्निक IERT इंट्रेंस एग्जाम 2020 के लिए। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे गुरुत्वाकर्षण चैप्टर लेसन नंबर 5। गुरुत्वाकर्षण चैप्टर से अभी तक पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए 15 वर्षों से पूछे गए सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ये देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, 26 मई 2019 को पूछा गया है। 26 मई 2019 का यह क्वेश्चन है। देखिए पॉलिटेक्निक इंट्रेंस एग्जाम में आया है किस प्रकार से, जो दो द्रव्यमान जो एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित है के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पी न्यूटन है, इन्हीं दोनों द्रव्यमानों को पानी में एक दूसरे के समान दूरी पर रख दें तो गुरुत्वाकर्षण बल क्यू न्यूटन हो जाता है, तो बराबर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पी बराबर क्यू। यानी दो द्रव्यमान को ब्रह्मांड में चाहे जहाँ रखें, दूरी समान है तो उनके बीच बल क्या होगा, समान लगेगा। यानी कि जितनी दूरी पर पानी में लगेगा बल उतना ही बल आप कहाँ लगेगा, वहाँ लगेगा। यानी कि जो इसमें कैपिटल जी का जो मान होता है वह माध्यम कण के प्रकृति पर, यानी कि और मतलब किसी बात पर निर्भर नहीं करता, उस मतलब मात्रक की पद्धति के अलावा और किसी बात पर निर्भर नहीं करता है। तो चलिए, इस तरह से आपका आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी पी बराबर क्यू सही हो गया था। ये प्रीवियस ईयर 2019 में पूछा गया था। देख लेते हैं कुछ इसका व्याख्या। दो दो द्रव्यमान जो एक दूसरे से निश्चित दूरी पर स्थित हैं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल पी न्यूटन है, तथा इन्हीं दोनों द्रव्यमानों को पानी में एक दूसरे के समान दूरी पर रखने पर गुरुत्वाकर्षण बल क्यू न्यूटन हो, तो ये दोनों प्रकार के गुरुत्वाकर्षण बल आपस में क्या होंगे, बराबर अर्थात पी बराबर क्यू होंगे। क्योंकि सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक कैपिटल जी का मान माध्यम के कणों प्रकृति समय ताप आदि पर किसी पर निर्भर नहीं करता है। यदि जी का मान कितना होता है, आपको ध्यान देना, जी का मान भी प्रश्न में पूछा जा सकता है, 6.67×10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम। यानी मात्रक भी विशेष रूप से ध्यान देना है। पॉलिटेक्निक में अक्सर मात्रक को इधर उधर चेंज कर देता है, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, तो मात्रक को आपको ध्यान देना है। मात्रक क्या होता है आपका, 6.67×10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसके हाईलाइट पॉइंट पर कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। हाईलाइट पॉइंट क्या हमारी होगी, गुरुत्वाकर्षण बल का सूत्र होता है एफ बराबर जी m1 m2/r², जहाँ कैपिटल जी क्या होता है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक होता है, m1 m2 द्रव्यमान है और r जो है दोनों पिंडों के बीच की दूरी है। गुरुत्व आकर्षण बल है जिसे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है। जिस बल से पृथ्वी एकांक द्रव्यमान वाली वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित करती है उससे पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण जी का इस्तेमाल जी कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी कि त्वरण का मात्रक होता है, और न्यूटन प्रति किलोग्राम भी होता हो सकता है। यानी कि आपको ध्यान देना कि ऑप्शन में क्या है, न्यूटन प्रति किलोग्राम भी गुरुत्वीय त्वरण का ही मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, इस तरह का दूसरा क्वेश्चन है हमारा। m1 तथा m2 द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच की दूरी r है के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल कैपिटल F है, तो F बराबर जी m1 m2/r² से दिया जाता है कि कैपिटल जी एक नियतांक है, जी का मान निर्भर करता है। अभी भी हमने बताया कैपिटल जी का मान केवल मात्रक की पद्धति पर निर्भर करता है और सभी पर और किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, मात्रक की पद्धति पर निर्भर करता है। और ये देखिए, मात्रक की पद्धति द्रव्यमान के बीच दोनों पर निर्भर करता है, नहीं गलत है। ये द्रव्यमानों के माध्यम पर निर्भर करता है, भी गलत है। मात्रक की पद्धति तथा द्रव्यमानों के बीच माध्यम दोनों पर गलत, केवल मात्रकों की पद्धति पर निर्भर करता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन। ये भी 2018 में पूछा गया था। व्याख्या देख लीजिए, सूत्र हो गया या बराबर जी m1 m2/r², कैपिटल जी क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक केवल मात्रक की पद्धति पर निर्भर करता है, इसका मान माध्यम ताप समय और कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। इसकी हाईलाइट पॉइंट देख लीजिए क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक की यहाँ थोड़ी सी मतलब और टाइपिंग में मिस्टेक हो गई, यहाँ 6.67×10^-11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है 6.67×10^-8। यानी कि अगर आपको किसमें पूछेगा, अगर या साई पद्धति में कैपिटल जी का मान पूछेगा तो 10^-11 होगा, ध्यान देना है। और यही आपको MKS में पूछेगा तो 6.67×10^-11 और CGS में पूछेगा 10^-8 डाइन सेमी स्क्वायर प्रति ग्राम स्क्वायर होती है, ये आपको ध्यान देना है। तो तीसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, तीसरा क्वेश्चन देखिए 2017 का हमारा है सवाल। पृथ्वी का द्रव्यमान
पृथ्वी का द्रव्यमान 6 × 10^24 किलोग्राम तथा पृथ्वी की त्रिज्या 6.4 × 10^6 मीटर के बराबर लिया जाता है। पृथ्वी की सतह से ऊपर 2000 किमी ऊंचाई पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान की गणना करना है। आपको ऑप्शन नंबर दिया है 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, बी दिया है 5.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, सी दिया है 5.7, डी दिया है 5.9। इसका मतलब सभी ऑप्शन लगभग लगभग सिमिलर हैं। 2017 का सवाल, देखते हैं कैसे लगाते हैं। कैपिटल जी का मान सभी लोग जानते हैं 6.67 × 10^11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम इसको होता है। द्रव्यमान MI बराबर 6 × 10^24 किलोग्राम दिया है। पृथ्वी की त्रिज्या दिया है 6.4 × 10^6 मीटर। पृथ्वी तल से ऊंचाई दिया है 2000 किलोमीटर, सभी मात्रक मीटर में, तो मीटर में चेंज करेंगे 2 × 10^6 मीटर। सूत्र लगाएंगे आपको स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी MI बटे RE प्लस H का होल स्क्वायर। अब 6.6 आपका मान रखेंगे, कैपिटल जी का मान रखेंगे 6.67 × 10^11, MI का मान रखेंगे 6 × 10^6 × 10^24, RE का मान रखेंगे 6.4 × 10^6, H का मान रखेंगे 2 × 10^6 और होल का स्क्वायर। अब देखेंगे थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, कुछ इस प्रकार से मिलेगा 10^10^6 जुड़ जाएंगे, यानी 6 दशमलव घात समान है, 6.4 दो जुड़ेंगे तो 8.4, बाहर निकालेंगे तो 8.4 × 8.4, 10^6 का स्क्वायर करेंगे 10^12, एक कटेगा। अब यहाँ से गुणा भाग कर लेंगे तो लगभग लगभग आपका आंसर आ जाएगा 5.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर 6 सही हो जाएगा, 5.7 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इसके हाईलाइट पॉइंट पर कुछ बात कर लेते हैं। आपको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान जो होता है 6.67 × 10^11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है, ये पहले बता चुका हूँ। पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है कैपिटल जी MI बटे RE स्क्वायर। अब पृथ्वी तल से यह ऊंचाई ऊपर गुरुत्वीय त्वरण का मान डायरेक्ट आप लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, g′ = g₁ − 2h/RE। अब देखिए पृथ्वी तल से h गहराई नीचे जाने पर त्वरण का मान होता है g′ = g − h − RE, यानी कि इस दोनों में फर्क बस इतना, ऊपर जाएंगे तो 2h/RE होगा, यहाँ इस सूत्र में क्या होगा, नीचे जाएंगे तो केवल h/RE होगा। क्वेश्चन चौथा देखिए हमारा क्या है, 10 किलोग्राम द्रव्यमान के एक पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है। यदि पृथ्वी पर जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है तथा चंद्रमा पर 1.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है, तब चंद्रमा पर पिंड का द्रव्यमान होगा। तो देखिए सीधी सीधी बात है, हमें बस उलझाया है इस प्रश्न में। आप बताइए कि द्रव्यमान कभी बदलता है, 2017 का प्रश्न है, द्रव्यमान नहीं बदलता, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। केवल किसी वस्तु का भार बदलता है, द्रव्यमान पूरे ब्रह्मांड में नियत होता है, इसलिए इसमें दिया है कि पृथ्वी पर इतना गुरुत्वीय त्वरण है तो चंद्रमा पर दूसरा है, इसलिए आप बताइए कि द्रव्यमान चंद्रमा पर जाएगा या पृथ्वी पर जाएगा या किसी प्लेनेट पर जाएगा या सेटेलाइट पर जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 2017 का सवाल था, बहुत ही आसान था, ऑप्शन नंबर डी 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम का द्रव्यमान नहीं था, द्रव्यमान कभी नहीं बदलता, भार बदलता है। तो कितने लोग ऑप्शन नंबर ए सही करके आए होंगे, इसमें 10 1/6 सभी लोग किए होंगे 10 में। तो आप इतना भी ध्यान दें कि अरे द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, यानी कि यह सही हो सकता था, न्यूटन भार का मात्रक होता है, इसलिए भार बदलता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। चलिए इसकी कुछ बदला व्याख्या देख लें। जब किसी पिंड को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसके भार में बदलाव होता है, जबकि पिंड का द्रव्यमान समान हो रहता है। पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर पिंड का भार 1/6 गुना होता है। अब देखिए हाईलाइट पॉइंट की कुछ बात कर लें, भार को W से प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक न्यूटन होता है, अर्थात W = mg। भार का बेमी सूत्र होता है ML T/-2। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम। पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार कितना होता है, 0 होता है, ये भी ध्यान देना, किसी द्रव्यमान क्या होता है, 0 होता है, किसी पृथ्वी के केंद्र पर किसी पिंड का भार क्या होता है, 0 होता है। पृथ्वी तल पर जी का मान ध्रुवों पर सबसे अधिक तथा विषुवत रेखा पर सबसे कम। यह भी प्रश्न बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, कि पूछा जाता है पृथ्वी तल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है कहाँ पर, होता है ध्रुव पर, कहाँ होता है ध्रुव पर, सबसे कम कहाँ होता है विषुवत रेखा। बहुत प्रतियोगी परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 14 किलोग्राम एवं 20 किलोग्राम द्रव्यमान के दो पिंडों के बीच की दूरी 10 मीटर है, इनके बीच गुरुत्वाकर्षण, ये तो सबसे समझ लिया, हलवा प्रश्न पूछ दिया, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कैसे लगाएंगे आप, 2007 में पूछा गया था,
पिंड के द्रव्यमान M1 14 किलोग्राम, M2 20 किलोग्राम, उनके बीच की दूरी 10 मीटर, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक 6.67 × 10 की परिमाण से 11। सूत्र क्या होता है? F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर। अब रखेंगे यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार से, तो हो जाएगा हमारा F की जगह रखेंगे क्या, G की जगह रखेंगे 6.67 × 10 की परिमाण से 11, M1 की जगह 14, M2 की जगह 20 बटे 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। अब इसी प्रकार पूरा भाग कर लेंगे, आपको कुछ ऑप्शन इस प्रकार का मिलेगा काटने पीटने के बाद, 18.68 × 10 की परिमाण से 11 न्यूटन। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा। कुछ हाईलाइट पॉइंट की बात कर लें इस पर, यदि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल F है, तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाया गया गुरुत्वाकर्षण बल भी कितना होगा? F होगा। इसमें आपको क्या देना है, किसी वस्तु पर आप बल लगाते हैं तो प्रतिक्रिया बल की भी नाम की कोई चीज़ होती है दुनिया में, तो उतना ही बल लगाया जाता है। चंद्रमा अगर पृथ्वी पर F बल लगाएगा तो पृथ्वी भी चंद्रमा पर कितनी बल लगाएगी? F। ये बात ध्यान देना है आपको, ये दोनों F दोनों क्या होंगे? समान होंगे। सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण बल स्थिरांक जी का मान होता है, बार बार हम जी का मान दे रहे हैं इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान दीजिएगा। पहाड़ों की अपेक्षा समुद्र तल पर गुरुत्व त्वरण जी का मान अधिक होता है, यानी पहाड़ों पर जी का मान थोड़ा कम होता है लेकिन समुद्र तल पर उतना ही अधिक होता है। पहाड़ों की अपेक्षा समुद्र तल पर गुरुत्व त्वरण जी का मान अधिक होता है, याद रखना है। छठा क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर करता है, सॉरी निर्भर नहीं करता, इस बात को ध्यान दीजिएगा। बार बार हम कह रहे हैं प्रश्न को पहले ध्यानपूर्वक पढ़ना, क्या दिया था? नहीं करता है, दो पिंडों के बीच मध्य गुरुत्वाकर्षण बल निर्भर नहीं करता है। पहली बात तो गुरुत्वाकर्षण नियतांक पर निर्भर तो करेगा, इस सूत्र में देखेंगे आप F बराबर क्या होता है, जी M1 M2 बट्टे क्या होता है, आर स्क्वायर। तो देखिए द्रव्यमानों के गुणनफल पर निर्भर करेगा, उनके बीच की दूरी पर निर्भर करेगा, इस पर निर्भर करेगा, लेकिन एक चीज़ पर निर्भर नहीं करेगा। आपको तीन ऑप्शन मिल गए, आप यहाँ पर लगा सकते हैं, उनके द्रव्यमानों के योग पर। कहीं सूत्र में द्रव्यमान का योग नहीं दिया था, द्रव्यमान का गुणनफल दिया था, 2011 में पूछा गया था, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। दो पिंडों के मध्य गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमानों के योग पर निर्भर नहीं करता है, इस प्रकार से आप व्याख्या समझ सकते हैं। यह दिया था न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण संबंधी नियम है, F समान पाते M1 M2, F समान पाते 1 बटे r स्क्वायर, F समान F बराबर G m1 m2 बटे r स्क्वायर, G क्या है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। अब कुछ इस पर हाईलाइट पॉइंट की बात कर लें, पृथ्वी के धरातल पर ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान अधिकतम होता है, दूसरा है पृथ्वी की धरातल के ऊपर की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान घटता है, नीचे आने पर भी घटता है, ऊपर जाने पर भी घटता है, ध्यान देना इस बात को। शून्य गुरुत्वाकर्षण अवस्था के कारण अंतरिक्ष यान में बैठे यात्री को भारहीनता का अनुभव होता है, ये बात ध्यान रखना आपको। सत्रह क्वेश्चन देखिए क्या है, यदि किसी पिंड या वस्तु का भार 981 न्यूटन है, तब वह पिंड या वस्तु का द्रव्यमान होगा, बहुत ही आसान सवाल, 100 किलोग्राम होगा, आप आसानी से बता सकते हैं। क्या क्या दिया आपको, यदि पिंड का भार दिया W बराबर 981, तो द्रव्यमान आपको बताना है, इस गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 9.8 होता ही है, पिंड का द्रव्यमान जी गुरुत्वीय त्वरण दिया है 9.81 m/s² होता ही है, भार का मान दिया है 981, W बराबर mg के सूत्र में रखने पर क्या हो जाएगा, 981 बराबर m गुणे 9.81, अब यहाँ से देखिए भाग दे देंगे तो m बराबर क्या हो जाएगा आपका, मिलेगा 981 बटे 9.81, 100 से नीचे पर गुणा कर दीजिए तो आपको यह दो अंक इधर बढ़ जाएगा या इससे कट जाएगा, 100 किलोग्राम डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कुछ हाईलाइट पॉइंट पर बात कर लेते हैं, पृथ्वी के धरातल के नीचे की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान घटता है, ऊपर जाने पर भी घटता है, नीचे आने पर भी घटता है, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बढ़ेगा, यानी विषुवत रेखा सबसे कम होता है, ध्रुवों पर ज़्यादा होता है, तो कम से ज़्यादा की ओर जाएंगे तो बढ़ेगा, ध्रुवों से विषुवत रेखा की ओर जाने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, घटता है, यानी अधिक से कम की ओर जाएंगे तो घटेगा, स्वाभाविक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए हमारा क्या है, पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण जी का मान होता है 0, सीधी बात, कुछ नहीं होता है, 0, तो पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है, 0। 2007 का सवाल था। कुछ व्याख्या देख लीजिए, गुरुत्व बल की ये परिभाषा कुछ है, इस हाईलाइट पॉइंट को थोड़ा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, और अभी तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, आपकी एक लाइक से हमें बहुत मोटिव मिलता है इस तरह की वीडियो बनाने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दीजिएगा।
पृथ्वी तल पर प्लान वेग का मान कितना होता है? ध्यान रखना आपको 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड, ये ध्यान देना है। यदि पृथ्वी तल पर यदि जी स्मॉल जी पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण और कैपिटल जी सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है और यह मई पृथ्वी का द्रव्यमान है तो आर ई पृथ्वी की त्रिज्या, तो इस सूत्र क्या होगा? स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम आई बटे आर स्क्वायर, यानी स्मॉल जी और कैपिटल जी, ए जी और ओ जी में संबंध क्या है? स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम आई बटे आर स्क्वायर। इस प्रकार से यह जो थो सारे प्रश्न थे, ये प्रश्न 2007 में पूछा गया था, मतलब बहुत आसान आसान प्रश्न पूछे गए हैं। अभी तक के सभी प्रश्नों को जो गुरुत्वाकर्षण से आए हैं, सभी प्रश्नों को हम इस वीडियो में हल कर लिए। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।